बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के? आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा आमलेट। तो आमलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और 1 प्याज मैंने लिया है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च लिए बारीक चॉप की हुई, चंद मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं, ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, नमक लिया मैंने हसबे ज़ायका, लाल मिर्च लिए मैंने 1/2 टीस्पून और हल्दी लिए मैंने 1/2 टीस्पून। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अंडों को बीटर की मदद से अच्छे से फेंटूंगी। आप चाहे तो आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्लफी किस्म के आमलेट बनेगा। यहाँ पे मैं हाथ के बीटर से कर रही हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि ये हमारा जो आमलेट है वो अच्छे से खुला खुला सा बने। यहाँ पर अंडों को मैंने अच्छी तरीके से फेंट दिया है, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसमें मैं डालूँगी अपने प्याज। हम डायरेक्ट अंडों में जो है ये हरी मिर्च, प्याज और मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि अंडों में अगर हम डालेंगे तो अच्छी तरीके से वो मिक्स नहीं होंगे। तो पहले हम यहाँ पे इनको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसको बाद में अंडों में हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, आप अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें, पसंद ना हो तो आपकी मर्ज़ी पे। तो मुझे पसंद है तो इसलिए, क्योंकि इससे इसका ज़ायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने ये मिक्स कर लिया है, तो मैं अभी ये तमाम मिक्सचर जो है अंडों में डाल देती हूँ। और इसको एक मरतबा फिर मैं अच्छे से बैटर से मिक्स करती हूँ। तो ये हमने आमलेट का मिक्सचर अच्छे से बना लिया है। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। आप घी डालें तो घी डाल दें या ऑयल डालें तो ऑयल डाल दें, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो वो है फ्राई पैन है वो अच्छे तरीके से ऑयली हो जाए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हमने आमलेट का मिक्सचर जो है वो अच्छे से डाल दूंगी। फ्लेम में बिल्कुल स्लो कर दूंगी। तो ये देखिए, नीचे से हमारा जो आमलेट है वो मेरे ख्याल से अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसको पलटती हूँ, बहुत ही आहिस्तगी से हमने आमलेट को पलटना है, क्योंकि अक्सर आमलेट पलटते हुए टूट जाता है। जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे हमने करना है, फ्लेम हमने ज़्यादा तेज नहीं रखना। तो चलिए अब अपने आमलेट को डिश आउट करते हैं। तो ये हमारा आमलेट जो है मज़ेदार टेस्टी से आमलेट तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को हमारी एक मरतबा ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।